नागपुर शहर में इस्कॉन मंदिर की ओर से पिछले 15 सालों से जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा उसी अंदाज में निकाली जाती है जैसे पुरी के मुख्य मंदिर में हर साल इस प्रसिद्ध रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। उसी श्रृंखला में इस साल भी इस्कॉन के तत्वाधान से जगन्नाथ यात्रा का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से शहर में किया गया। इतिहास के पन्नों को झाके तो ईस्वी सन 1751 में प्रथम राजे रघुजी के कार्यकाल में जगन्नाथ यात्रा बंद की गई थी। जगन्नाथ यात्रा एक ऐतिहासिक रथ यात्रा है जिसमें भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा का भी रथ निकाला जाता है। भारतीय धरोहर में शामिल ये रथ यात्रा कृष्ण भक्तों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पुरी में निकलने वाली भव्य यात्रा का छोटा स्वरूप इस्कॉन के तत्वाधान से नागपुर में प्रदर्शित किया गया। इस समय बड़ी मात्रा में लोग इस आयोजन में शामिल हुए, साथ ही साथ भक्तों ने हरे कृष्ण के जयकारे भी लगाए जिससे समा पूरी तरह से धार्मिक बन चुका था। ही जी जगन्नाथ महाराजांची रथयात्रा आहे ही नागपुरातील ही मोठ्या आनंदाने आणि उत्सवाने जगन्नाथपुरी सारखं तर नाही पण त्याच्यापेक्षा छोट्या प्रमाणात नागपुरातलेही नागरिक आनंदाने आणि हर्षाने मनवतात। दरवर्षी इस्कॉन परिवाराच्या वतीने इथं भव्य प्रमाणात जगन्नाथ रथयात्रेचं आयोजन केले जाते। या रथयात्रेला माझ्या वतीने सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा। जगन्नाथपुरी यात्रा एक ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण ही यात्रा आहे। जगन्नाथपुरीची यात्रा 1751 प्रथम राजे रघुजी महाराज बंद पडलेली ही यात्रा पुन्हा त्या जगन्नाथपुरीला सुरू केली आणि त्यापासून आज तक ही यात्रा अशी सुरू आहे। आणि नागपूरमध्ये या यात्रेला आलेल्या 15-20 वर्षांहून इस्कॉनद्वारे ही जगन्नाथपुरी यात्रा ही नागपूरमध्ये मोठ्या उत्साहात साजरी होते आहे। आणि जगन्नाथांचा जो कार्य आहे, जगन्नाथांनी जे पृथ्वीवर जे केलेलं आहे त्यासाठी या रथयात्रेचं फार मोठं एक महत्त्व आहे। आणि ते महत्त्व आता नागपूरमध्ये बी तेवढ्या ऐतिहासिक पद्धतीने हे सुरू झालेलं आहे। त्यासाठी इस्कॉन मंदिर आणि त्यांचा पूर्ण परिवार हा ह्याचा धन्यवादचा पात्र आहे। कीर्तन दास, मैं इस्कॉन नागपूर झोन का रिजनल सेक्रेटरी असिस्टंट हूँ और यहाँ जो नव मंदिर बन रहा है उसका मैं चेयरमैन भी हूँ। तो आज ये रथ यात्रा जो यहाँ निकाली जा रही है नागपुर के समग्र विकास, नागपुर के सभी जितने भी नागपुरवासी हैं सभी की प्रसन्नता के लिए, उनको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो, अच्छी बुद्धि प्राप्त हो, भगवान की भक्ति प्राप्त हो, इस प्रयोजनार्थ ये रथ यात्रा की जा रही है। रथे चवामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रथ के ऊपर जो भगवान का दर्शन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, इतना बड़ा महत्व है भगवान को रथ में देखने का। और ये रथ यात्रा भी यहाँ पदारेश्वर राम मंदिर से स्टार्ट हो गया, अग्रसेन चौक और तांगा स्टैंड इत्यादि होते हुए फिर बाद में गीता मंदिर में समाप्त होगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है अधिक से अधिक मात्रा में आकर इस रथ को अपने हाथ से खींचिए, प्रेम पूर्वक हरि नाम कीर्तन कीजिए। कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतार लेते हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए, नृत्य कीजिए और साथ में प्रसाद ग्रहण कीजिए। आज पूरे रास्ते 1,00,000 भगवान के खिचड़ी प्रसाद का वितरण होगा, 1,00,000 दोने में, और आखिर में 5,000 भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था रखी गई है। तो आप सभी लोग प्रसाद लीजिए, कीर्तन कीजिए, नाचिए और भगवान को अपने हृदय में बसाइए। ऐसी आशा के साथ आप सभी के हम शुभचिंतक, हम लोग इस्कॉन नागपुर आपकी शुभेच्छा रखता है आप सभी के प्रति। और सारे धर्म, सारे पंथ, सारे जाति के लोग, कोई भी बिना भेदभाव के आइए, रथ यात्रा को अपने हाथ से, रथ को खींचिए, भगवान का दर्शन प्राप्त कीजिए। हरे कृष्ण। NBC न्यूज के लिए राजकुमार मोड़ के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।